की टीम से मिलते हुए। आज की मुख्य अतिथि उनका भी यहाँ पर हाजिर, मां ऑफिशियल स्क्वाड उन्हें मंच की ओर लाते हुए। तो चारुशीला जी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं, वुमेन डे पे उनका भी हार्दिक स्वागत। मंच पे तशरीफ ला रही हमारी असिस्टेंट कमांडर अतीक्षा सेठी की। असिस्टेंट कमांडर आईटीबीपी डॉक्टर चारू शीला जी हमारे बीच, उनका भी यहां पर हार्दिक स्वागत। तमाम ऑफिशियल स्क्वाड। मेरा नाम अजीत सिंह है। ये जो हैंडबॉल प्रतियोगिता करवाई जा रही है, वुमेन्स डे है, कल हमारा 8 मार्च को वुमेन्स डे होता है, उस उपलक्ष्य पर जो कारगिल मार्टियर्स हैंडबॉल क्लब उधमपुर है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया कि जब वुमेन्स डे पर हम ऐसा कोई एक मैच करवाएंगे, वुमेन हैंडबॉल मैच, जिससे कि हमारे उधमपुर के जो प्लेयर्स हैं, खास करके जो गर्ल्स हमारी वुमेन खेल रही हैं, उनको कहीं ना कहीं से एक बूस्ट मिले, एक इनकरेजमेंट मिले कि किस प्रकार से जो लड़कियां या औरतें आज कहां कहां तक, किस लेवल तक पहुंची हैं। और ख़ास करके ये जैसे जो जम्मू से टीम आई हुई है, इसमें कुछ एक दो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो इंडिया खेले हुए हैं, तो उनसे उन प्लेयरों से इन बच्चों को हमारे को कुछ खेलने से, उनके साथ खेलने से इनको बहुत ही बड़ा एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है। तो इस प्रकार के मैचेस जो हैं वो इसलिए करवाए जाते हैं कि ताकि इन बच्चों को आगे खेलने में कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो इनका एक्सपोजर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक्सपोजर मिले। मेरा नाम ऋषि कुमार शर्मा है। आज हम लोगों ने यहाँ पे मिनी स्टेडियम उधमपुर में जो है ऑन द ईवी ऑफ इंटरनेशनल वुमेन हैंडबॉल डे के उपलक्ष में एक फ्रेंडली हैंडबॉल मैच जो जम्मू और उधमपुर की गर्ल सेक्शन के बीच में था वो रखा गया था। इस मैच की जो मुख्य अतिथि वो SSP मैडम थी, पर वो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं पहुँच सके, पर उन्होंने ऑनलाइन मैसेज जो अपना यहाँ पे डिलीवर किया, बच्चों को अपनी बेस्ट विशेज दी हैं। उन्होंने ये मोटिवेट किया कि वो गर्ल्स चाइल्ड ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें और देश का नाम रोशन करें। वो सभी बच्चों को डिलीवर हुआ यहाँ पर। ऐसा हमारा मोटिव जो था मैचेस कराने का ये भी था कि उधमपुर के जो गर्ल्स सेक्शन है हमारा, उनकी पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं कम रहती है, तो हमारा मोटिव था कि गर्ल्स इस मैच को देखें और यहाँ पर आके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पार्टिसिपेट करें, ताकि हम उनको अच्छी तरह ट्रेन कर सकें और वो आगे वाले टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें।